नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया, मैं हूं राकेश। इस वक्त केरल से बड़ी खबर आ रही है। दुबई से कालीकट आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें पायलट समेत 3 लोगों की मौत होने की सूचना मिल रही है। दुबई से केरल आ रहा है एयर इंडिया का विमान केरल के कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास क्रैश होकर 2 हिस्सों में बट गया है, जिसमें विमान के पायलट समेत 3 की मौत और 35 लोगों के घायल होने की पुष्टि की गई है। प्रथम दृष्टया हादसा भारी बारिश की वजह से होना माना जा रहा है। बहरहाल हादसा की जांच भी कराई जाने की बात कही गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह विमान रनवे से फिसलने के बाद घाटी में जा गिरा, जिससे दुर्घटना का शिकार हो गया। बताया गया है कि प्लेन में 184 यात्रियों के अलावे 2 पायलट समेत कुल 6 क्रू मेंबर सवार थे। जानकारी के अनुसार केरल के कोझिकोड के कारीपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय यह हादसा हुआ है। एयर इंडिया फ्लाइट 9K1344 शाम लगभग 7:45 हादसे का शिकार हो गया। रनवे पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की मौजूद गाड़ी राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। के सिंह सेंगर की रिपोर्ट।